एफबीए होता है कि फुलफिल्ड बाय अमेज़न। फुलफिल्ड बाय अमेज़न का मतलब ये होता है कि आपने प्रोडक्ट को परचेज किया और परचेज करने के बाद बल्क के अंदर अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा दिया, ठीक है। अब आपकी शिपिंग, आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग, आपके कस्टमर सर्विस, आपके प्रोडक्ट की रिटर्न सब अमेज़न संभालेगा। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और यही सबसे ज़्यादा बेस्ट मॉडल और जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो एफबीए ही करते हैं, क्योंकि इसके अंदर सबसे बेस्ट ये फ़ायदा होता है कि आपने सिर्फ इन्वेंट्री को परचेज करना होता है। आपने प्रोडक्ट हंट करी, अच्छी प्रोडक्ट ढूंढी, आपने इन्वेंट्री को परचेज किया उसी प्रोडक्ट के हिसाब से और अमेज़न के वेयर हाउस भिजवा दी। फिर जो भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ऑर्डर्स आए, आपकी जो है वो पेमेंट्स आई, सारी चीज़ें आई, ये सब ऑटोमेटेड होती हैं। आपको कुछ नहीं करना होता, आपने एक सिंगल बटन दबा के भी नहीं करना होता कि मुझे ये पेमेंट मिल जाए, ठीक है। आपने जो उसके अंदर से चीज़ें संभालनी होती है वो प्राइसिंग को संभालना होता है, उसके ऊपर प्राइसिंग के ऊपर भी अमेजन ने आपका काम बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पहले ये था कि आप बार बार प्राइस चेंज कर सकेंगे, अब अमेजन ने एक नया पावरफुल टूल दिया। इंशाल्लाह ताला जब सेलर अकाउंट के उस पर आएंगे, सेलर अकाउंट के इंट्रोडक्शन पे, तो हम पढ़ेंगे कि अमेजन ने एक पावरफुल टूल दिया जिसे कहते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग। उससे ये कि आपको प्राइसिंग संभालने की भी जरूरत नहीं है, आपने अमेजन को दे दिया कि तुम मेरी प्राइसिंग भी संभाल लो। तो इतना बेस्ट मॉडल है और इतना जबरदस्त मॉडल है और प्रॉफिटेबल। ऐसा नहीं है कि अब सब अमेजन संभाल रहा है तो आप कह रहे हैं अमेजन ही सारी फीस ले रहा है, वो इतनी फीस नहीं लेता, मिनिमम सी फीस होती है, मिनिमम सी फीस। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट अगर आप 40 हजार की बेच रहे हैं और उसका वेट जो है वो तकरीबन 0.1 से लेके 1 kg तक है, लो वेट प्रोडक्ट है और डायमेंशन भी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी लाइट वेट प्रोडक्ट एंड छोटी सी प्रोडक्ट है, तो उसके लिए अमेजन आपसे तकरीबन चार्ज करता है 8 से 9 रियाल। मतलब कि 40 रियाल की प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं, 31 रियाल मिल रहे हैं या 30 रियाल मिलेंगे, तो आपके 30 रियाल तो आपके फिर भी जेब में आते हैं। उसके अंदर से आप कॉस्ट ऑफ गुड निकाल दें, फॉर एग्जाम्पल आपको पड़ी 20 रियाल की प्रोडक्ट, बचे कितने 10 रियाल, 10 रियाल आपका प्रॉफिट बन गया। तो ये आप अमेजन आपके बिहाफ पे इतनी सारी चीजें करके फिर भी आपसे सिर्फ इतना सा चार्ज कर रहा है, तो इसी वजह से ये बेस्ट मॉडल होता है कि आप सिंपली आप अपने बाकी बिजनेस या अपने बाकी काम भी आराम से चला सकते हैं और एफबीए भी करते रहें। और फिर जब आपको लगे कि आपका एफबीए जो है अब आपको जरूरत है उसको देने की, और जरूरत भी कितनी होती है, आप मुश्किल से दिन में 1 घंटा भी प्रॉपर देते हैं तो बहुत है, 1 घंटा भी प्रॉपर। हाँ, अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं तो ये है कि फिर आप दिन में 2-3 घंटे कभी भी आपको मिले तो निकालते रहें और उस दौरान अच्छी अच्छी प्रोडक्ट ढूंढते रहें। हम आगे जाएंगे प्रोडक्ट हंटिंग में, तब मैं बताऊंगा क्या स्ट्रेटेजी होगी इसकी। अच्छा, ये तो एक मॉडल हो गया जो एफबीए करते हैं। अब हम दूसरा मॉडल जो देखते हैं अमेजन का, वो है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, एफबीएम। अब एफबीएम के अंदर दो बातें हैं, एक होता है एफबीएम जिसे हम सेल्फ शिप करते हैं। सेल्फ शिप क्या होता है कि आपने प्रोडक्ट को खुद परचेज किया, प्रोडक्ट को खुद ही पैक किया और किसी भी कोरियर सर्विस से आपने डिलीवर करवा दिया डायरेक्ट कस्टमर को। इसमें अमेजन बीच में इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ अमेजन का सिस्टम इन्वॉल्व होता है और अमेजन आपसे रेफरल फीस लेता है। अमेजन एफबीए फीस वगैरह कुछ भी नहीं लेता, तकरीबन रेफरल फीस परसेंटेज की होती है, वो आपसे 5 से 10% लेता है पर प्रोडक्ट के ऊपर। एक प्रोडक्ट अगर 30 रियाल की है तो आपसे 3 या 4 रियाल लेगा उस प्रोडक्ट के ऊपर, इससे ज्यादा वो नहीं लेता। लेकिन इसमें क्या 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 चीजें होती हैं, इसके अंदर ये होता है कि प्रोडक्ट भी आपको खुद पैक करनी होती है, आपको कुरियर सर्विस भी खुद ढूंढनी होती है और कस्टमर को भेजना भी खुद होता है, रिटर्न भी खुद आपको जो है वो एक्सेप्ट करना होता है और कस्टमर सर्विस भी आपको खुद संभालनी होती है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करनी पड़ती हैं अगर आप सेल्फ शिप करते हैं। ये एक मॉडल है एफबीएम के अंदर, एफबीएम के अंदर एक मॉडल सेल्फ शिप का है। सेकेंड जो इसके अंदर मॉडल आता है वो आता है अमेजन इजी शिप। एफबीएम के अंदर अमेजन इजी शिप आता है। अमेजन इजी शिप क्या होता है, अमेजन इजी शिप ये होता है कि आपने प्रोडक्ट को परचेज किया, पैक किया, लेकिन जो डिलीवरी करेगा वो कुरियर सर्विस नहीं करेगी, अमेजन आपके लिए डिलीवरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप एफबीएम कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर आपके पास ऑर्डर आया, जैसे ही आपके पास ऑर्डर आएगा तो अमेजन जो है आपने ऑर्डर को फॉरन से सिस्टम के ऊपर, ये जो सब इजी होता है सामने ही लिखा होता है, आपने जैसे ही ऑर्डर आया आपने उसको अप्रूव किया, अमेजन का इजी शिप का बंदा आपके पास आएगा, प्रोडक्ट लेके जाएगा और डायरेक्ट कस्टमर को डिलीवर कर देगा, और डिलीवरी जो कर रहा होगा वो अमेजन खुद कर रहा होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये फर्क होता है एफबीए और एफबीएम के अंदर, और एफबीएम के जो दो मॉडल होते हैं उन दोनों के अंदर ये फर्क है कि एक सेल्फ शिप होता है कि आपको खुद शिप करना होता है, खुद कोरियर सर्विस को ढूंढ के, और एक होता है कि अमेजन आपके लिए शिप करता है आपके बिहाफ पे। अच्छा, अब इसके अंदर जो चीज आती है वो आती है एडवांटेजेस ऑफ एफबीए। अगर आप एफबीए करते हैं तो क्या एडवांटेज है उसका और क्या फायदा मिलता है आपको एफबीए करने का, और वन ऑफ द मोस्ट प्रेफरेबल मेथड है अमेजन के ऊपर। सबसे पहली जो एडवांटेज है अगर आप अमेजन पे एफबीए करते हैं वो आपको मिलती है फ्री शिपिंग, ठीक है। फ्री शिपिंग, जितने भी एफबीए सेलर हैं जो अमेजन के ऊपर सेल कर रहे हैं वो सारे कस्टमर्स को फ्री शिपिंग दे सकते हैं, एफबीएम वाले नहीं दे सकते।
फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूँ अमेजन के अकाउंट के ऊपर, लिस्टिंग के ऊपर किस तरह आप जो है वो फ्री शिपिंग दे सकते हैं कस्टमर को और एफबीएम वाले नहीं दे सकते। ये अभी हमें अमेजन की वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, अब इसमें से हम कोई भी एक प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और उसमें जो भी एफबीए वाला बेच रहा होगा, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं कि उसके पास फ्री शिपिंग लिखी भी आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ जो अमेजन के ऊपर सेल हो रही है, ठीक है। अब एफबीए का कैसे पता चलेगा आपको बता देता हूँ। अब ये देखें, अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, हम इसके मेन डिटेल पेज पे आए हैं। कभी भी आपने प्रोडक्ट को चेक करना है तो उसका डिटेल पेज ओपन करना होगा और इस तरह का पूरा बना हुआ होता है। फिर आप जब नीचे आते हैं तो आप चेक करेंगे ये फुलफिल्ड बाय अमेजन, जिसे मैं कह रहा था एफबीए फुलफिल्ड बाय अमेजन, और बेचने वाला कौन है, उस सेलर का नाम लिखा हुआ है। अब जो एफबीए वाला कर रहा है वो फ्री शिपिंग दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्री डिलीवरी, फ्री डिलीवरी, ठीक है। ये फ्री डिलीवरी क्यों मिलती है, जितने भी एफबीए सेलर हैं वो कस्टमर को फ्री डिलीवरी दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो प्राइम मेंबरशिप के एलिजिबल हो जाते हैं। आप जैसे ही एफबीए करते हैं तो अमेजन अमेजन कस्टमर जो कस्टमर आते हैं अमेजन के ऊपर विजिट करने, प्रोडक्ट को परचेज करने, उनको अमेजन एक ऑफर करता है प्राइम मेंबरशिप, ठीक है। प्राइम मेंबरशिप क्या होती है कि पर मंथ अगर वो ₹16 देंगे तो जितने भी एफबीए की प्रोडक्ट्स होंगी जो एफबीए हो रही हैं, जो फुलफिल्ड बाय अमेजन हो रही हैं, वो सारी प्रोडक्ट्स उनके लिए फ्री डिलीवरी हो जाएंगी। लेकिन जो एफबीए वाला एफबीएम वाला है वो फ्री डिलीवरी नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि उसको चार्ज करना पड़ता है कस्टमर को, क्योंकि अमेजन उससे चार्ज लेता है। वो मैं आपको बताऊंगा अमेजन क्यों चार्ज लेता है उससे, या क्यों उससे पैसे काटता है एफबीएम वाले से। लेकिन जो एफबीए कर रहा होता है उसके लिए सबसे ज्यादा इजी चीज होती है कि उससे अमेजन कोई चार्ज वगैरह, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, डिलीवरी चार्ज वगैरह कुछ नहीं काटता, सिर्फ एफबीए कमीशन लेता है अपना। और अगर किसी कस्टमर ने प्राइम मेंबरशिप खरीदा हुआ है तो उस कस्टमर को डिलीवरी फ्री मिल जाती है उसकी तरफ से, ठीक है। ये तो एक फायदा हो गया, फ्री डिलीवरी देता है कस्टमर को, तो इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि उसकी सेल ज्यादा होती है, कस्टमर उसको ही प्रिफर करता है, कस्टमर उससे ही परचेज करता है जो उसको फ्री डिलीवरी दे रहा है, जिसमें उसको डिलीवरी का खर्चा नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट का पे करना है और उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी। दूसरा जो फायदा है वो ये है कि कस्टमर सर्विस एंड रिटर्न, सबसे सबसे समझे कि थका देने वाला काम, सबसे ज्यादा जो 24/7 आवर्स का काम है, ठीक है, मतलब के 24 दिन 7 घंटे आपने, 24 घंटे 7 दिन आपने जो है ये काम करना है, ठीक है, 24 आवर्स 7 डेज का काम है कस्टमर सर्विस। अगर आप एफबीए करते हैं तो इसके अंदर कस्टमर सर्विस आपको नहीं संभालनी, चाहे आपके दिन में 100 ऑर्डर आए, 50 ऑर्डर आए, 1 ऑर्डर आए, 10 ऑर्डर आए, ठीक है, ये कस्टमर सर्विस जो है कौन संभालता है, अमेजन संभालेगा आपके बिहाफ पे, आपको कस्टमर सर्विस नहीं संभालनी होती। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है एफबीए के अंदर, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप एफबीएम के अंदर क्या होता है, एफबीएम के अंदर आपको कस्टमर सर्विस संभालनी होती है, क्यों, क्योंकि अमेजन उसके अंदर ना आपकी डिलीवरी कर रहा होता है, कुछ भी नहीं कर रहा होता। अगर आप इजी शिप करते हैं तब भी आपको कस्टमर सर्विस कुछ संभालनी होती है, आपको ट्रैकिंग नंबर उनको देना होता है, बार बार कस्टमर को बताना होता है हाँ आपकी प्रोडक्ट पहुंच गई, यहाँ पहुंची है, सारी यहाँ पहुंची है। फिर अगर आप ये चीजें करेंगे तो फिर तो आप बाकी और काम अपने नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा यही फायदा होता है कि जब आप कस्टमर सर्विस जो है वो अमेजन संभालता है आपके लिए, तो आपके काफ़ी टेंशन, आपके काफ़ी जो बाकी और काम होते हैं जो आप बिजनेस देख सकें, ऑनलाइन बिजनेस हो गया आपका, बाकी वेबसाइट के बिजनेस हो गया जिसका आप वेबसाइट पर सेलिंग कर रहे हैं, या आपका कोई भी अपना काम हो गया जो आप कर रहे हैं, तो वो आप दोनों एक साथ लेके चल सकते हैं बिजनेस, ये अमेजन आपको अपॉर्चुनिटी देता है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि अपॉर्चुनिटी टू रीच न्यू कस्टमर्स, ठीक है। देखें अमेजन पे सबसे बेस्ट फायदा क्या है, काफी लोग उससे पूछते हैं कि नून की सेल ज्यादा अच्छी है या अमेजन की सेल्स, नो डाउट सऊदी अरब के अंदर जो सबसे अच्छी सेल्स है वो नून की सेल्स है, ठीक है, अमेजन से ज्यादा है नून की सेल्स। लेकिन नून जो है वो लिमिटेड है, नून की अपॉर्चुनिटी जो है, नून अपॉर्चुनिटी नहीं देता आपको इतनी सेल करने के लिए। सबसे पहले अगर आप नून पे सेल करेंगे आपको जो है वो कंपनी चाहिए, मस्ट आपकी कंपनी होनी चाहिए, रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए, ठीक है, अगर आप नून पे सेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी अपनी क्रिएट भी कर ली, कंपनी बना भी दी, लेकिन नून जो है वो लिमिटेड है, कुछ कंट्रीज में अवेलेबल है, सारी कंट्रीज में या मैक्सिमम कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अमेजन के पास जब आप अमेजन पे सेल करते हैं तो आपको सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी यह मिलती है कि अभी तो आप यूएई में सेल कर रहे हैं या सऊदीया में सेल कर रहे हैं, आपका बिजनेस अच्छा जाता है, आपका बिजनेस ग्रो करता है, ग्लूम करता है,
बूम करता है, तो आप फिर यूएस में मूव कर सकते हैं, यूके में मूव कर सकते हैं, आप जो है वो फ्रांस में जा सकते हैं, ये सारी मार्केट, जापान में जा सकते हैं, ये बड़ी मार्केट प्लेस है। अगर मैं आपको जापान का बताऊं तो जापान के पर मंथ के एक्टिव यूजर्स जो है वो 55 मिलियन है, 55 मिलियन जो उनके पर मंथ के एक्टिव यूजर्स हैं। तो आप यू कैन नॉट कंपेयर नून विद अमेजन सऊदी अरेबिया, ठीक है, अमेजन सऊदी अरेबिया के साथ या यूएई के साथ आप नून को कंपेयर नहीं कर सकते। आप नून को कंपेयर करें अमेजन यूएस के साथ, तो फिर आपको पता चलेगा कि अमेजन यूएस के अपने खुद के कस्टमर जो उसके ऊपर एक्टिव कस्टमर हैं वो 225 मिलियन है, 225 मिलियन। यहाँ की जैसे हम सऊदी अरब में रहते हैं, इसकी आबादी के कोई 10 गुना से भी ज्यादा आप कर लें तब भी पूरे नहीं होती, उसके कस्टमर्स हैं वहां पे। तो अमेजन का ये है कि अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर लिमिट अनलिमिटेड है, काउंटलेस हैं। आप इस मार्केट प्लेस में सेल कर रहे हैं, आप बाकी मार्केट प्लेस में मूव कर जाएं, दूसरी मार्केट प्लेस में मूव कर जाएं, तो अपॉर्चुनिटी होती है कि आप डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स में जाते हैं, नए नए कल्चर्स में जाके आप अपनी उस उन प्रोडक्ट्स को आप जो है वो मुतरादिफ कराते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं जो कस्टमर्स आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं सऊदी अरब में या फिर यूएई में सेल कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट अच्छी बिक रही है, आप जाते हैं फ्रांस में, आपको नहीं पता वहाँ की जो है माइंडसेट क्या है, क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं, आपकी प्रोडक्ट वहाँ पे मशहूर हो गई, आपकी सेल्स वहीं से आना शुरू हो गई। तो ये सारे फायदे होते हैं कि अमेजन जो है आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप डिफरेंट कंट्रीज में मूव करते रहें। लेकिन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि अभी आपके पास जो दो मार्केट प्लेस हैं, जो सऊदी अरब की मार्केट प्लेस और यूएई की मार्केट प्लेस, ये अभी इस लेवल पे नहीं पहुंची है कि जहाँ पे आपके पास ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग जाए, जैसे कि ब्रांड्स बहुत सारे आना शुरू हो जाए, ब्रांड डोमिनेंसी हो जाए। अभी ब्रांड डोमिनेंसी इतनी नहीं है, आप काफी ऐसी प्रोडक्ट अमेजन अमेजन यूएई में और अमेजन सऊदी अरब में हंट करके सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, जिसमें आपको ब्रांड से बात करनी ही की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ जेनेरिक में उसको करना है, अदर में करना है और उस प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देना है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन मार्केट प्लेस में। इधर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप 3 4 साल इजली यहाँ पे कमाएं, कमा के फिर आप जो है इधर अपनी मार्केट, ऐसा नहीं करना मार्केट प्लेस को छोड़ देना, मतलब आपने कमा दिया अब दूसरी मार्केट प्लेस जाए, नहीं, यहाँ पे भी कंटिन्यू करें और अपना बिजनेस जो है उसको ग्रो करते रहें, मूव करते रहें बिजनेस को, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, एक और चीज आपके लिए होती है जो सबसे अच्छी चीज देता है अमेजन, कि आपने अगर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया अमेजन के ऊपर वन टाइम, फॉर एग्जाम्पल आप, आपके पास अकामा है या आईडी है, ठीक है, वॉट एवर, कतरी आईडी, इमाराती आईडी, कोई भी आईडी है, आपने एक दफा अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया, उसके बाद ये है कि आपका ये अकाउंट लाइफ टाइम हो जाता है।